टॉपिक इस वीडियो में हम बात करेंगे एस बी सी ए बी सी बोन सिस्ट और जैन ट्यूमर और बोन के बारे में सो so, फिर से हमने इस तीन ट्यूमर को एक साथ इसलिए क्लब किया है कि मोस्ट ऑफ आर सिमिलर एंड जो डिफरेंसेस हैं वो अगर हम इस तरह से क्लब करके पढ़ते हैं तो मैं आसानी से याद रहते हैं सो so, तो एस और ए दोनों का जो एज ग्रुप है वो ट्वेंटी ईयर्स से कम है फर्स्ट और सेकेंड डेकेड में होगा और जो जी का है वो ट्वेंटी टू फोर्टी ईयर्स में है तो आ, क्योंकि अब जब भी आ, किसी एक्सरे पिक्चर आप देखेंगे जी का तो उसके डिफरेंशियल में ए और एस दोनों आएगा एंड सेम विद एस बी सी एंड ए के इनके डिफरेंशियल्स में ये दोनों ट्यूमर भी आते हैं तो जो बोन मोस्ट अफेक्टेड है सिंपल बोन सिस्ट में वो प्रोक्सिमल ह्यूमरस है एंड डिस्टल फीमर है और जो ए बी सी में है फीमर टीबिया एंड ह्यूमरस है और जी सी टी में तो जो है अराउंड नी डिस्टल फीमर और प्रोक्सिमल टीबिया ये कॉमन है जो मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड है तो उसी तरह से आप अगर साइड देखते हैं तो एस बी सी और ए बी सी मेटाफाइसिस का ट्यूमर है जबकि जी सी टी एपीफाइसिस का है और एपिस का एक और ट्यूमर है जो कॉन्ड्रोब्लास्टो है तो आप एक निमोनिक है आप जो मोस्ट ऑफ़ द ट्यूमर जो हैं वो मेटाफाइसिस के हैं तो इस बेटर ये है कि आप जो एपिफाइसिस के ट्यूमर हैं आप उसको याद कर लें और जो डाइफिस के डाइफाइसिस के कुछ ट्यूमर हैं आप उसको याद कर लें तो रेस्ट ऑफ़ द ट्यूमर सर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दटाफाइसिस तो आपको वो ऑलरेडी इस तरह से याद रहेगा तो जो निमोनिक है के लिए वो ई सी जी है एक तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो गया सी से और जी से okay. जैन सेल ट्यूमर तो जैन सेल ट्यूमर के डिफरेंट डिफरेंटल डायग्नोसिस में अलॉन्ग विथ एस बी सी ए बी सी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा भी आएगा क्योंकि एक तो एक्सरे पिक्चर भी ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड साइट ऑफ ऑरिजिन भी सेम है एक्सरे को देखते हैं एस बी सी में एक सिंगल लीजन होगा लेटिक लीजन होगा तो असेप्टेट एसेप्टेट लेटिक लीजन इन मेटाफाइसिस सेंट्रली प्लेस्ड सिमेट्रिकल एक्सपेंसाइल एंड इसमें फॉलन और फ्रैगमेंट और लीव साइन मिलता है और ट्रैप डोर साइन मिलता है एस बी सी में उसी तरह से जो ए बी सी होगा वो एक्सेंट्रिक होगा मल्टी होगा मल्टी एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक लीजन होगा और असिमेट्रिक एक्सपेंशन होगा इसमें और बैलूनिंग इन नेचर होगा और जो एपी आप ये देखिए जी सी टी है ये एपीफाइसिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है एंड इस कैरेक्टरिस्टिक इसका जो एक्सरे फाइंडिंग है इसमें सो बबल अपेरेंस होता है ये एक्सेंट्रिक है एक्सपेंसाइल है एपीफाइजियल है एंड नो मैट्रिक्स कैल्सिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा और कॉन्ड्रो में जो है मैट्रिक्स कैल्सिफिकेशन मिलता है तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें नहीं मिलेगा तो ये चीज हमें कॉन्ड्रोब्लास्टोमा से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है एंड अगेन इन द दाएपसी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी में एक रिएक्टिव जैन सेल और न्यूप्लास्टिक प्लास्टिक मोनो न्यूक्लियर सेल्स तो जो मोनो न्यूक्लियर सेल्स है वो न्यूप्लास्टिक प्लास्टिक है तो जैन सेल्स हैं वो दो इसका नाम जैन सेल ट्यूमर है ये प्लास्टिक सेल्स जैन सेल नहीं है एंड वन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एस पी एस बी सी सिंपल बोन सिस्ट टू इस टू वन जो रेशियो होता है ये मेल इज टू फीमेल रेशियो है कि मेल को ज़्यादा अफेक्ट uh, करता है एंड ग्रोथ प्लेट डिस्टर्बेंस भी करता है ये एम आर आई जब आप करेंगे एनिज्मल बोन सिस्ट में तो इंट्रा लीजनल सेप्टशंस मिलेगा और डबल डेंसिटी फ्लूड लेवल मिलेगा क्योंकि एक डेंसिटी तो आपके ब्लड फिल्ड, फिल्ड वो भी रहता है जो स्पेसेस होते हैं तो एक तो ब्लड है का रहेगा अलग डेंसिटी और जो आपके सिस्ट में और भी जो फ्लूड है उसका अलग डेंसिटी है तो डबल डेंसिटी फ्लूड लेवल मिलेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जी सीटी के बारे में ये है कि इसमें मैलिग्री चेंजेस हो सकते हैं तो ऑस्ट्रियोसारकोमा में चेंज हो सकता है फाइब्रोसार्कोमा में चेंज हो सकता है एंड जो है आपका एम एफ साइटोमा में ये चेंज हो सकता है और जो ट्रीटमेंट है एसबीसी का एस्पिरेशन एंड कॉर्टिक स्ट्राइड इंजेक्शन है आप इसको बहुत स्पेसिफिकली याद रखिए uh, क्योंकि मिस हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है लिटिक uh, लीजन का इस तरह से एक्सटेंडेड सेरेटाज एंड बोन ग्राफ्टिंग है तो हम um, ये चीज़ मिस हो जाता है तो एस्पिरेशन एंड कॉर्टिकोस्टोराइड इंजेक्शन है फिर उसके बाद क्रेटाज एंड बोन ग्राफ्टिंग लार्ज असिस्ट करते हैं और ए के लिए एक्सटेंडेड क्रेटाज बोन ग्राफ्टिंग एम्बोलाइजेशन करते हैं और इंट्रा लीजनल एंड मिथाइल प्रिडिसन दे सकते हैं हम और जीसीटी के लिए एक्सटेंडेड क्यूरेटाज एंड बोन ग्राफ्टिंग तो करेंगे ही साथ वो उसमें सैंडविच टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही जो आर्ट आर्टिकुलर सरफेस है उसके बहुत पास तक अगर ट्यूमर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें हम सैंडविच टेक्निक करते हैं क्योंकि अगर हम एक्सटेंडेड क्यूरेटाज किया हमने और बोन सीमेंट डाला तो ड्यू टू इट्स थर्मल इफेक्ट हो सकता है कि वो आर्टिकुलर सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाए तो बोन सीमेंट और जो आपका आर्टिकुलर सरफेस है उसके बीच में बोन ग्राफ्ट हम रखते हैं तो सैंडविच टेक्निक कहते हैं और डेनुसुमाब और बिस्पोसनेट जो इसका एक मेडिकल तो ट्रीटमेंट है तो हम साथ में ये भी देते हैं और इम्पॉर्टेंट बात एबीसी में ये है कि बेनाइन बट लोकली डिस्ट्रक्टिव ब्लड फिल्ड लीजन होता है और आपको जीसीटी में एक्शल क्रैकलिंग ऑन टैपिंग मिलेगा कैपेना की ग्रेडिंग होता है जिसमें लेटेंट एक्टिव और एग्रेसिव में, में डिवाइड करते हैं आ, जी सी आ, जी सी टी को और एक की डिजीज भी होता है जो की डिजीज कहते हैं ऑस्टियोफाइब्रस डिस्प्लेसिया को